नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार और आप देख रहे हैं जनजन की आवाज। जंदहा प्रखंड के एक लड़का जो है लाइटर पिस्टल के द्वारा, लाइटर पिस्टल जो होता है पिस्टल, उसे रील बनाया और रील बनाया तकरीबन 2 साल हो गया। 2 साल के बाद वो वीडियो जब वायरल होने लगा, तो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है इसको खोज खबर किया और खोज खबर करने के बाद यहाँ पे पता चला कि ये लाइटर गन है और लाइटर गन से बनाया रहा था रील। तो लाइटर गन आखिर लाया था कहाँ से? तो लाइटर गन लाया था वो फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन मंगवाया था, परचेज किया था, तो वहीं से ऑनलाइन लेकर आया था और रील बनाया। रील बनाने के बाद वीडियो जैसे जैसे ग्रो करने लगा, उसी अपराध पुलिस जो है से उस पर खोजबीन जारी किया। खोजबीन करने के बाद पता चला तो ये लाइटर गन है और थाना प्रभारी वहां गया तो देखा तो सही में लाइटर गन है। और यहां पर जो है स्क्रीन पर उसका फोटो चल रहा होगा, देख सकते हैं। और वहां पे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं किया, मगर वहां पे जो है किसी कारणवश जो है मेरा वीडियो जो है कैमरा पानी में गिर गया। तो पानी में गिरने के बाद वो मेरा मोबाइल का जो है मेमोरी खराब हो गया और खराब होने के वजह से मैं वीडियो का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग था, वो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, वो वीडियो मेरा खराब हो गया, इसी वजह से मैं नहीं डाल पाया हूँ। और ये दैनिक भास्कर का न्यूज पेपर में दिया गया है और लाइटर गन का यूज किया गया है। इस तरह प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चलता है, तो सोशल मीडिया हम लोग जाते हैं और कवरेज करने की प्रयास करते हैं। तो वहां पर गए तो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो वहां पे बताया गया, उस लड़के ने बताया जो यहां पर तो मैं गन लाइटर का रील बनाया था, गन लाइटर गन था मेरे पास, वैसे से मैंने रील बनाया और रील बनाया तो धीरे धीरे जैसे वायरल होने लगा। तो वायरल होने के बाद पुलिस ने छानबीन किया, तो छानबीन करने के बाद यहाँ पर आया, खोज खबर सब किया और वो गन था जो गन लाइटर गन था, लाइटर गन जो होता है वहाँ मैं थाना में जमा करवा लिया गया। और करवाने के बाद जो है मैं घर आया हूँ और घर आने के उपरांत में अभी जांच में पुलिस जुटी हुई है और जांच का विषय बन रहा है। का तस्वीर लगा देंगे, स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चल रहा होगा स्क्रीन, और कुछ जो वॉइस बचा हुआ है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड मेरे पास है तो थोड़ा सुन सकते हैं, वो भी आप सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो है मामला था लाइटर गन का था और अचानक सब असली गन का पकड़ लिया जो असली गन है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, जो असली गन है वो लाइटर गन था। लाइटर गन से वो रील बनाने के शूटिंग कर रहा था, इसी वजह से वो वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो वायरल होने के वजह से लड़का को गलत है, इसमें हम लाइटर गन से हम रील शूट किए थे, इसमें सारे दोस्त मेरा भी शूट करता है, सभी हम फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाए थे। मैं घर पे इस जांच में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है और लड़का को कहना है कि छानबीन हो गया है, हर करने के बाद जो पाया गया वो लाइटर गन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और कमेंट करे, और न्यू अपडेट देखने के लिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।